हे ईश्वर दयानिधे भवत् कृपया अनेन जपोपासनादि कर्मणा धर्मार्थ काम मोक्षाणां सद्यः सिद्धिर्भवेन्। दुनिया की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है अपना देश भारत। इसकी खास विशेषता है जिसके कारण ये कहा गया कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। वो बात कौन सी है? एक तो परिवार संस्था की मजबूती और प्रकृति के साथ समझ बूझ कर तालमेल बिठा कर संतुलन के साथ जिंदगी बिताने का कौशल और विज्ञान। इसीलिए दुनिया का सिरमौर रहा है अपना देश। यही अपने देश की तासीर है। इससे अलग चलकर जीवन बिताने की जब जब कोशिश की गई तो हम कमजोर पड़े। आज पूरी दुनिया में और अपने देश में भी अगर दिख रहा है अभाव, दारिद्र्य या गैर बराबरी, तो उसके पीछे कारण यही है परिवार संस्था की मजबूती कमजोर होना और साथ में प्रकृति के साथ संतुलन बिठाने की बजाय प्रकृति पर विजय पाने की अंधी दौड़। निरंतर बढ़ती विषमता, बड़े पैमाने पर बेरोजगारी, बढ़ती गरीबी, भुखमरी, कुपोषण, लगातार बढ़ती कीमतें, शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र की दुर्वस्था, पर्यावरण ह्रास, बढ़ती जनसंख्या और सबसे बढ़कर हताश, कुंठित, अलग थलग एवं अपनी जड़ों से कटता हुआ समाज, ये सब आज देश के सम्मुख जटिल चुनौती के रूप में खड़े हैं। ऐसी सारी स्थितियों में भी जब हम पिछले 2-2.5 वर्षों में देश में घूम कर देखते रहे तो एक से एक अच्छे समाज के प्रमुख लोगों को और लोगों को साथ लेकर मैंने काम करते देखा, रचनात्मक प्रयोग सफलतापूर्वक चलाते हुए देखा, समाज की असली ताकत का एक तरह से विश्वरूप दर्शन उस समय मुझे प्राप्त हुआ। उसी की एक झलक अनेकविध प्रयोगों की मिला जुला कर मिली जुली गाथा के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास है। ये प्रयोग अलग अलग तो होंगे लेकिन आपस में मिले हुए भी हैं। यही तो अपने देश की तासीर है, विविधता में एकता। सबका मर्म लेकिन एक है कि समाज में आपसी समझ, पारस्परिकता और विश्वास के साथ अगर एक साथ ताकत लगाई जाए तो चमत्कार घटित किया जा सकता है अपने देश में। किसी बात की कमी नहीं अपने देश में। शक्ति, बुद्धि, क्षमता, प्रतिभा, साधन सभी दृष्टियों से, केवल पारस्परिकता, संवाद और आपसी समझ, इस आधार पर हमको देश को गढ़ना होगा। इसकी छोटी सी झलक इन प्रयोगों में दिखी है। आप भी देखें, हो सकता है इसमें से हम सबका आत्मविश्वास बढ़े, भरोसा बने अपने ऊपर और आपस में एक दूसरे के ऊपर। फिर हम भारत को सिरमौर बनाने की दिशा में शायद इसमें से अधिक विश्वास पूर्वक कदम रख सकेंगे। आज के दौर में गांव गंदगी, जड़ता और अवसरों के अभाव की निशानी माने जाते हैं। लेकिन निराशा और जड़ता के इस मिथक को तोड़ने वाले एक नहीं, ढेरों उदाहरण हैं आज देश में। ऐसा ही एक गांव है मोहर। लगभग 450 परिवारों वाला गांव मोहर। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले का एक छोटा सा गांव मोहद, हरा भरा और साफ सुथरा। पहले यह भी
और गांवों जैसा ही गंदगी और निराशा से भरा था। लेकिन आज मोहद उदाहरण है कि कैसे स्वेच्छा से किया गया एक व्यक्ति का संकल्प और उसकी धार्मिक आस्था एक गांव को नया रूप दे सकती है। मानव धर्म के आधार पर सबको जोड़कर पूरे गांव को खुशहाली की राह पर ले चले सुरेंद्र सिंह चौहान यानी भैया जी। उन्नीस से 1994 तक मोहत के निर्विरोध सरपंच रहे भैया जी ने अपने गांव के विकास का बीड़ा उठाया था। लेकिन काम शुरू करते समय भैया जी के मन में यह साफ नहीं था कि आगे कैसे बढ़ा जाए। बस एक भावना का बल था, जैसे अपना परिवार वैसे ही एक बड़ा परिवार है अपना गांव। इसी सूत्र से राहें खुली धीरे धीरे। उस समय हमारे मन में स्पष्ट कल्पना नहीं थी कि आदर्श ग्राम कैसा होता है, अच्छा ग्राम क्या होता है, ग्राम विकास क्या क्या होता है। अच्छी बात है, जो अपने परिवार में होना चाहिए वो गांव में होना चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारे घर के बच्चे अच्छे पढ़ें, हम चाहते हैं हमारे बालकों का चरित्र अच्छा हो, हम चाहते हैं हमारे परिवार में स्वास्थ्य सबका अच्छा हो, हम चाहते हैं घर में पारस्परिक समरसता का भाव हो, भेदभाव ना हो, कलह ना हो, घर का विवाद घर में सुलझ जाए, घर संपन्नता युक्त हो जाए। ये सारी बातें जो हम अपने घर में चाहते हैं वो ग्राम में ले जाना। तो भी तो हमने कहा ना, ग्राम एक परिवार, संपूर्ण ग्राम में वही बातें हमने करना जो हम अपने परिवार में चाहते हैं। पूरा गांव आज भी भैया जी को अपने हर सुख दुख में शामिल पाता है और भैया जी भी इस बड़े परिवार का पूरा ख्याल रखते हैं। 72 वर्ष के हो चले भैया जी ने बरसों पहले खाना बनाने के लिए घर घर में गोबर गैस के इस्तेमाल पर जोर दिया। लोगों ने बात सुनी और परिणाम सामने हैं। चूल्हा फूंकने और धुएं में आंख मलने से मोहत की महिलाओं को तो छुटकारा मिला ही, लोगों में अपने घर को साफ सुथरा रखने के साथ ही अपने आसपास को भी साफ रखने की आदत पड़ी। इससे काले बर्तन होते थे, धुआं होता था, आंख खराब होती थी। इससे कोई फायदा इसमें, बर्तन भी जल्दी साफ होते, खाना भी जल्दी बन जाता, धुआं लगता था, आंख खराब हो जाती थी, आग ही नहीं जलती थी, इसलिए बहुत परेशानी होती थी। अब कोई इस तरह कोई दिक्कत, अब कोई परेशानी नहीं, अब काले बर्तन भी होते थे उसमें, अब कोई परेशानी नहीं। सफाई की इस परंपरा से कोई भी घर अछूता नहीं है। बरसात के दिनों में भी गांव के किसी भी घर में जाकर देखें, हर घर में तुलसी का पेड़ और साफ सुथरा आंगन जरूर मिलेगा। सालों से गोबर गैस के इस्तेमाल के कारण इस गांव में लकड़ी काटने की जरूरत ही नहीं पड़ी। नतीजा सामने है, लगता है पूरा गांव बगीचे के बीच बसा हो। और इस पर कोई ताज्जुब भी नहीं होना चाहिए, गोबर गैस के घर घर में हो रहे इस्तेमाल ने इस गांव को ऊर्जा ग्राम बना दिया है। लेकिन भैया जी की असली उपलब्धि भौतिक विकास नहीं बल्कि गांव वालों में विकास के संस्कार डालना है, जिससे आने वाली कोई भी पीढ़ी विकास की धारा से अछूती न रह जाए। गांव का जो विद्यालय होता है जहां से बालकों को संस्कार मिलते हैं, तो बालक उस संस्कार को अपने घर तक ले जाता है। इसलिए विद्यालय को हमने कहा यह भी ग्राम को प्रभावित करने वाला एक प्रभावी केंद्र है। छोटे छोटे बालक यदि स्वच्छ परिसर में आते हैं
शिक्षक समय पर आते हैं, शिक्षक अपने दायित्व का ठीक प्रकार से निर्वहन करते हैं, बालकों के प्रति प्रेम है, तो आप देखेंगे कि उस ग्राम का परिवर्तन भी विद्यालय के माध्यम से होता है, जिसको हमने कहा विद्यालय का परिवर्तन, विद्यालय का वातावरण उनके घर तक पहुंच जाता है। गांव के घरों में तो संस्कारों की झलक मिलती ही है, गांव के स्कूलों में भी संस्कारों का पूरा ध्यान रखा जाता है। लगभग 3,500 आबादी वाले मोहद में प्राइमरी से माध्यमिक तक 4 स्कूल हैं। लेकिन दूसरे गांवों की तरह यहां के स्कूलों के कमरे खाली नहीं रहते, 100% साक्षरता है। मोहद का हर व्यक्ति शिक्षा का महत्व जानता है और अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए प्रयासरत है। दिन भर की भागदौड़ के बाद शाम को मंदिर में भजन कीर्तन, जहां गांव का हर आदमी आता है अपनी थकान मिटाने के लिए और अगले दिन के लिए एक नया उत्साह और स्फूर्ति पाने के लिए। मोहद वासियों का खुशहाल जीवन देखकर बरबस मुंह से निकल पड़ता है, काश भारत का हर गांव ऐसा ही हो। जरूर हो सकता है यदि आप ठान लें। धार्मिक आस्था और धर्म स्थलों का उपयोग भारतीय परंपरा में सार्वजनिक कल्याण के लिए होता ही रहा है। इस परंपरा का बल पिछले 200-250 वर्षों में घट गया है, घटा है लेकिन मिटा नहीं। कर्नाटक के धर्मस्थल का मंदिर और यहां की व्यवस्था इसका जीता जागता उदाहरण है। समाज की धार्मिक आस्था की शक्ति का बेजोड़ नमूना है ये मंदिर। अन्नदान की कोई 800 साल पुरानी परंपरा रही है इस क्षेत्र में। इसी परंपरा का चमचमाता प्रतीक है ये मंदिर। दक्षिण में गंगा की तरह पवित्र मानी जाने वाली नेत्रावती नदी के पास स्थित इस मंजुनाथ यानी शिव मंदिर में हर दिन 30,000 से 50,000 लोग प्रसाद के रूप में भोजन पाते हैं। नियम है मंदिर का, जो भी दर्शन करने आएगा बिना भोजन किए नहीं जाएगा। The most important are आहार दान, विद्या दान, औषध दान and अभय दान। Under this आहार दान, whoever visits the temple, he should not worry about his food, his stay and other mundane problems. He shall always worship Lord, concentrate on his worship and be free from all these mundane problems like how, where to stay, where to eat. So it is also said that Lord is pleased when his devotees are happy and full. करीब 300 कार्यकर्ता जुटते हैं हर वक्त का भोजन परोसने के लिए। आसपास के स्कूलों के सभी विद्यार्थी नियम से दिन का भोजन यहीं करते हैं। सारी व्यवस्था पूरी होती है दान और चढ़ावे से। आसपास के किसान लगातार अन्न दान में देते रहते हैं। कभी कमी नहीं पड़ती, यही सामाजिक शक्ति और आस्था की शक्ति है इस इलाके की।
ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ತುಂಬಾ ದಿವಸದಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ವರ್ಷದಿಂದ ಮುಂಚೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಸೆ ಚಲತೆ ಸಮಯ ಇಸ್ ಬಾತ್ ಕಿ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಫಿಕ್ರ ನಹೀ ಥಿ ಕಿ ಕಹಾಂ ಠಹರೂಂಗಿ, ಕಹಾಂ ಭೋಜನ ಕರೂಂಗಿ, ಕ್ಯೂಂಕಿ ಮಂದಿರ ನೇ ಯೇ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಕರ್ ರಖಿ ಥಿ. ಐಸಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಸಭಿ ಮಂದಿರೋ ಕೋ ಕರ್ನಿ ಚಾಹಿಯೆ. ಬೇರೆ ಇದರಿಂದೆಲ್ಲ ಅವರು ಇನ್ನು ಅನುತರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಊಟನೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. हमारे आपके आसपास के देवस्थान भी धार्मिक गतिविधियों के साथ साथ सबको अन्न के लिए, शिक्षा के लिए और सबको स्वास्थ्य के लिए कुछ इसी तरह समाज आधारित काम भी करें. सच पूछिए, यही समय की मांग है. मैं यहाँ 17 साल से यही काम कर रहा हूँ. ये पुण्य का काम है और इससे मुझे आत्मिक संतुष्टि मिलती है. हर जगह सबको मुफ्त भोजन देना शायद मुश्किल लगता हो, लेकिन सबको सस्ता और पौष्टिक भोजन तो उपलब्ध कराया ही जा सकता है. राह दिखाई है वाराणसी ने. सबको सस्ता और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए सुरभि शोध संस्थान ने अन्नपूर्णा सेवा संचालित की है. प्रतिदिन करीब 2000 लोग भोजन करते हैं. यहाँ के माहौल को जीवंत बनाए रखने के लिए अन्नपूर्णा सेवा में एक पुस्तकालय भी है और यहीं भजन कीर्तन भी चलता रहता है. हम यहाँ आते हैं इसलिए कि हमको सस्ता खाना पड़ता है, अच्छा पड़ता है. यहाँ पर सस्ता भोजन मिलता है, 7 रुपया में हम लोगों का पेट भर जाता है. और हम रिक्शा चलाते हैं, भारी होटल में हम लोग खा नहीं सकते, इसलिए यहाँ पर आते हैं खाने के लिए. यहाँ बहुत सारे अन्य क्षेत्र चलते हैं जहाँ साधु संन्यासियों को, गरीब विद्यार्थियों को, ब्राह्मणों को और भिक्षुओं को भोजन मिलता है. लेकिन देश में जो निर्माण में लगे जो श्रम साधक हैं, जो श्रम की साधना करते हैं, ऐसे लोगों की कोई चिंता नहीं की गई. तो इस चिंता को ध्यान में करके इनके बीच में कुछ काम किया जाए और इनको भी देश के एक अच्छे नागरिक होने का एहसास जो कराने के लिए हमने अन्नपूर्णा भोजनालय शुरू किया. मनुष्य में निहित मूल धार्मिक चेतना की ही एक अभिव्यक्ति है सेवा भावना, सेवा कर्म. हर मनुष्य के भीतर लहराता करुणा का सागर जब ऊपर उठता है तो अलगाव की, घृणा की बनावटी दीवारें ढहती जाती हैं. प्रकट होता है दिव्य प्रेम, सबको जोड़ने वाला, सबका कल्याण करने वाला, गहरा और अनंत. दिव्य प्रेम सेवा मिशन इसी शाश्वत और अनंत प्रेम का मूर्त रूप है. हरिद्वार के चंडी घाट पर स्थित ये केंद्र समाज में उपेक्षित और कभी कभी जानवरों से भी बदतर जिंदगी बिता रहे कुष्ठ रोगियों की सेवा करता है. नफरत करते थे, पास में आना नहीं चाहते थे, बात करने में भी नफरत करते थे बीमार होने के बाद में, और पड़ोस वाले भी, दूर वाले भी,
घर पर जैसे कि अब शादी ब्याह हुआ, बाल बच्चा हुआ, आदमी गिनना करा, सास ससुर गिनना करा, फिर अपन चल दिया। बाप मातार जब पैदा करता है सो जिंदगी भर थोड़े गुजर कराता है किसी के बाबूजी। ईश्वर की खोज में भटकते आशीष गौतम की संवेदना भरी निगाह इन समाज बहिष्कृत निम्नतर जीवन बिता रहे कुष्ठ रोगियों पर पड़े और उन्हें अपने भीतर के प्रेम की अभिव्यक्ति का सार्थक रूप इनकी सेवा करके मिलने लगा। यही प्रेम आधार है आशीष के इस मिशन का। मनुष्य में तीन प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं, धन की ऊर्जा और एक अधिकार की ऊर्जा, और दूसरी होती है एक माने क्रियाशीलता, माने क्रिया की ऊर्जा। तो अपने पास कोई ऐसी माने अधिकार की ऊर्जा, धन की ऊर्जा तो कोई थी नहीं, तो एक क्रियात्मक जो ऊर्जा थी उसका उपयोग आखिर किस स्थान पर हो, किस तबके के लिए हो, तो फिर ध्यान में आता है कि कुष्ठ रोगी आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, शारीरिक दृष्टि से समाज में सबसे नीची सीढ़ी पर खड़ा हुआ व्यक्ति पाया जाता है, उपेक्षा का पात्र है, घृणा का पात्र है। हमारी उपेक्षा और घृणा के नाते पशुवत जीवन जीने के लिए कहीं झुग्गी झोपड़ी में बाध्य है। तब लगा कि इनके बीच ही रहकर हमको काम करना चाहिए। इस मिशन में आज आशीष अकेले नहीं है, कई सेवाभावी और योग्य नौजवान उनके साथ हैं। सब मिलकर आशा की किरणें बिखेर रहे हैं समाज के इस उपेक्षित वर्ग में। सब कुछ दवाई पानी सब कुछ खींच दे रहा है, बाहर वाला को भी देता है, हम लोग को भी इलाज करता है, जरूर उधर दिल्ली भेज देता है, उसका भी खर्चा पानी देता है इन लोगों। हमने का घर में खुद आशीष बाबू जाके पत्ती बांधना, नीमन पे जाए करना, हमें से कोई पाँच पैसा कोई ना पाँच पैसा कोई ना कुछ, हमें जे अदालत के भी कहता है, अदालत के भी यहाँ से आदमी चौथा हमें के दवा भी न ला। आशा और विश्वास का संचार कुष्ठ रोगियों के दिलो दिमाग पर ही नहीं हुआ, इनकी अगली पीढ़ी भी आज उत्साह से भरी दिखती है। इनकी दबी हुई ऊर्जा को, इनके सिमटे हुए सपनों को नए पंख लग रहे हैं इस वातावरण में। सेवा भावना का ही एक और तीर्थ है वाराणसी का सरस्वती मनोविकास केंद्र। यहां मंद बुद्धि बच्चों की सधे हुए हाथों से देखभाल होती है। हम ना सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण, पूर्ण खुशियों के बाटे सभी। इनकी मानसिक और शारीरिक ऊर्जा को तराशा जाता है और इन्हें रोजगार परक प्रशिक्षण मिलता है। माँ बाप जब आते हैं तो बहुत खुशी लेकर के आते हैं कि मैडम जी आप जब से ये विद्यालय इस विद्यालय में आया है तब से और अब में इसमें इस बच्चे में बहुत अंतर है। ओम शांति।
आज भाईचारे और पारस्परिक विश्वास की बहुत कमी हो गई है, सब और यही सुनाई देता है। लोग कहते हैं गलाकार प्रतियोगिता का दौर है भाई, इसी का बोलबाला है। इस बेरहम प्रतियोगिता के परिणाम भी सब भुगत रहे हैं, लेकिन हमारे समाज से भाईचारा और आपसी विश्वास अभी मिटा नहीं है। एक नहीं हजारों उदाहरण हैं, जैसे कर्नाटक के हासन जिले के मोवाना केरी गांव को ही लीजिए। मोवाना केरी की पेयजल की जरूरत पूरी करने के लिए गोबर गैस से चलने वाला एक संयंत्र है गांव का। गोबर गैस संयंत्र से हर दिन बनती है 7.5 किलोवाट बिजली और बिजली से चलता है 5 हॉर्स पावर का पानी का पंप। गांव के 150 घरों में से हर घर को 6 घंटे पीने का पानी। ಫಸ್ಟ್ ನೀರು ದೂರದಿಂದ ತರ್ತಿದ್ದೆ, ಇವಾಗ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ನೀರು ಎಲ್ಲ। पहले दूर तालाब से पानी लाना पड़ता था, उसके बाद घर का काम। गोबर गैस से अपने घर में नल लग जाने से जरूरत भर पानी मिल जाता है, समय की बचत हो जाती है, जिसका बच्चों को पढ़ाने में उपयोग करते हैं। बट्टे बट्टे वी समय उड़ीता है, मने केस मुझे मे। परस्पर विश्वास है, व्यवस्था पारदर्शी है, सो कोई दिक्कत नहीं होती कभी। ग्राम पंचायत की देखरेख में सारा काम ठीक ढंग से चल रहा है पिछले 5 साल से। हर घर से गोबर जाता है इस संयंत्र में। जिस घर से जितना गोबर डलता है उसके 60% वजन के बराबर खाद महीने के अंत में वापस भी मिल जाती है। प्रयोग के तौर पर इस प्लांट से 2 घरों के लिए गैस उपलब्ध कराई जा रही है। इसे आगे और भी बढ़ाने की योजना है। विकेंद्रित स्तर पर ऊर्जा उत्पादन के और भी कई सफल प्रयोग हैं जो बड़ा भरोसा जगाते हैं। रायपुर से 35 किलोमीटर दूर दुर्ग जिले के अछोटी गांव में गोबर गैस से जुड़े अनेक सफल प्रयोग किए जा रहे हैं। 4 छोटे-छोटे गोबर गैस संयंत्रों से इतनी गैस बन जाती है कि रोज 100 लोगों का भोजन पकाया जा सके। एक जोड़ी बैल से चलने वाली इस मशीन से गोबर गैस को सघनीकृत यानी कंप्रेस करके सिलेंडर में भरने में कामयाबी हासिल की है अभ्युदय संस्थान के कार्यकर्ताओं ने। बैल संयंत्र एक गेयरबॉक्स है, गेयरबॉक्स के माध्यम से बैल को उसमें लगा देते हैं और बैल जैसे ही घूमता है तो उसमें जितना हमें आरपीएम चाहिए कंप्रेसर को चलाने के लिए 1420 आरपीएम लगता है, तो वो एक राउंड घूमता है तो उससे वो 1420 आरपीएम होता है, जिसके माध्यम से हम उस कंप्रेसर को चलाने में मदद करते हैं जिससे कि गैस हम भर सकते हैं। गोबर गैस भरे इस सिलेंडर से 1.25 घंटे तक सिंचाई का पंप चल जाता है। ऐसा नहीं है कि गोबर गैस का प्रयोग केवल छोटे स्तर पर ही किया जा सकता है। आदमी में कुछ कर दिखाने का जज्बा हो तो क्या कुछ नहीं हासिल हो सकता। भोपाल के पास भदभदा के इस आरएस एग्रो फार्म को ही लीजिए। करीब 2.25 लाख मुर्गियों वाले इस पोल्ट्री फार्म में जगमगाती रोशनी को देखकर आपको कल्पना भी नहीं होगी कि इस फार्म ने 2 साल पहले सरकारी बिजली कटवा दी थी।
यहाँ उपयोग में आने वाली सारी की सारी बिजली फार्म के अपने गोबर गैस संयंत्रों से ही पैदा की जाती है। फार्म के मालिक हैं राजेंद्र सिंह, पेशे से सिविल इंजीनियर। राजेंद्र सिंह ने 1995 में यह पोल्ट्री फार्म खरीदा था। शुरू में बिजली खूब आंख मिचौली करती थी, जबकि मुर्गी पालन उद्योग में रोशनी बेहद जरूरी होती है। लगातार बिजली पाने के लिए राजेंद्र सिंह दूसरे रास्ते तलाशने को मजबूर हुए। फार्म में 80 गाय भैंसों की एक डेयरी भी थी और राजेंद्र सिंह गोबर का प्रयोग कर ऐसा जनरेटर चलाने में कामयाब हो गए जिसमें थोड़े से डीजल के साथ गोबर गैस का भी इस्तेमाल हो सकता था। फार्म के कर्मचारियों से बातचीत करके राजेंद्र सिंह ने इस संयंत्र में अपनी जरूरत के हिसाब से कारगर बदलाव किए और फिर हमेशा के लिए बिजली की आंख मिचौली से छुट्टी तो मिली ही, ये बिजली काफी सस्ती भी पड़ी। अब मेरे पास जब बिजली शासकीय शासन का जो ग्रिड से कनेक्शन था तो तकरीबन 70,000 रुपये तक, 60 से 70,000 के बीच में बिजली के बिल आया करते थे, और जब हमने उसका पूरी तरह से कनेक्शन कटवा दिया तो उसके बाद से मेरी जो बचत हो रही है इस समय वो तकरीबन मेरा जो खर्च आ रहा है वो 10 से 15,000 रुपये बीच प्रति माह आता, उसमें मुख्यतः डीजल का ही खर्च शामिल है। पूरे पोल्ट्री फार्म में बिजली पहुंचाने के लिए अलग अलग क्षमता वाले कई जनरेटर लगाए गए और तीनों संयंत्रों से जनरेटरों तक गोबर गैस पहुंचाने के लिए पाइपलाइनों का ऐसा जाल बिछाया गया जिससे किसी भी संयंत्र की गैस किसी भी जनरेटर तक पहुंचाई जा सके। आज राजेंद्र सिंह आसपास के छोटे उद्योगों को भी बिजली सप्लाई करने की स्थिति में है। कई बार तो ऐसा होता है कि गैस निकलती रहती है, मैं उसका सही उपयोग भी नहीं कर पाता हूँ क्योंकि और कोई रास्ते मेरे पास अभी उसको यूज़ करने के लिए फिलहाल इस समय नहीं है। आगे कुछ विकल्प हैं, समीप में एक गांव है, अगर वहाँ के कोई गांव के ग्रामीण वासी कोई चक्की, आटा चक्की डालना चाहें पास में, उनको मैं बिजली काफ़ी रियायती दरों पर दे सकता हूँ। राजेंद्र सिंह के इस फार्म को आरएस एग्रो फार्म कहा जाए या आरएस पावर हाउस, आप ही तय करें। गोबर गैस से एक पोल्ट्री फार्म चल सकता है तो जैविक कचरे से एक इंजीनियरिंग कॉलेज को बिजली की आपूर्ति भी की जा सकती है। जैविक कचरे से ऊर्जा का विकल्प जब सस्ता पड़ रहा हो तब तो कम से कम देश के छोटे बड़े कस्बों में इसका उपयोग किया ही जा सकता है। इस जैविक ऊर्जा को बनाने की पहल की है बैंगलोर में श्री वामनाचार्य और DESI पावर संस्था ने। आसपास के तंबाकू कारखाने से निकलने वाले सिगरेट के बचे टुकड़ों, लकड़ी के बुरादे, इमली के छिलके और कॉफी बीन के छिलके वगैरह से मिलकर बनता है ब्रिकेट। ये डीजल से भी ज्यादा ज्वलनशील है। ब्रिकेट्स को सफेदे की टहनियों के साथ मिलाकर इस मशीनी प्रक्रिया के द्वारा उत्पन्न होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसी गैस से चलती है ये मशीन और बनती है प्रतिदिन 220 किलोवाट बिजली। इस इंजीनियरिंग कॉलेज के संपूर्ण परिसर में पिछले 4 सालों से लगातार इसी संयंत्र से बिजली की आपूर्ति की जा रही है। हीरा और मोती, भारत में बैलों की जोड़ी के लिए ये नाम कब शुरू हुए शायद ही कोई बता सके, लेकिन ये तय है कि बैल सदियों से भारत में खेती की धुरी रहे हैं।
देश में छोटे किसानों की संख्या बहुत है और वे आज भी खेतों की जुताई और गुड़ाई बैलों से ही करते हैं। बैल ढुलाई का काम भी करते हैं। भूमिगत पानी को खींचने में बैलों के प्रयोग की जुगत बैठाई है इंदौर के विनोद पराशर ने। स्थानीय इंजीनियरिंग कॉलेज में लेक्चरर विनोद ने काफी सोच विचार कर एक मशीन बनाई है जिसे नाम दिया है बैल पंप। बिना देखे यकीन नहीं होता कि एक जोड़ी बैल 200 फुट नीचे से पानी खींचकर खेतों की प्यास बुझा सकते हैं, लेकिन जब हीरा मोती की जोड़ी ने यंत्र को नचाना शुरू किया और पानी खेतों की ओर चल पड़ा, तब शक की गुंजाइश कहां। एक घंटे में 6000 लीटर तक पानी उलीच सकता है यह संयंत्र। एक मुश्त खर्चा एक डीजल पंप लगाने से भी कम, यानी इस मशीन के निर्माण में 25,000 रुपयों का खर्चा आता है। सिंचाई का खर्चा कुछ नहीं, बस बैलों का चारा। इस मशीन का रखरखाव बहुत ही आसान, कोई दिक्कत होने पर गांव के लोग ही इसकी मरम्मत कर सकते हैं। विनोद पराशर का मानना है कि अगर देश के हर गांव में ऐसे 10 पंप भी लग जाएं, तो जितनी बैल ऊर्जा का इस्तेमाल होगा वो लगभग 12,000 मेगावाट बिजली के बराबर बैठेगा और लाखों लोगों को रोजगार भी मिलेगा। सबसे पहले तो हर गांव के अंदर एक कारीगर तैयार हो जाएगा जो कि इस पंप का निर्माण कर सकता है, तो प्रत्येक गांव कम से कम 2 व्यक्तियों को रोजगार मिल जाएगा। तो भारत के 6,00,000 गांव माने तो करीब 6,00,000 गांव के अंदर करीब, मतलब आप समझ लीजिए 12,00,000 रोजगार तो उपलब्ध हो जाएंगे। गोवंश बचाने और उसके विकास में लगे कुछ समाज सेवी तो बैल को ट्रैक्टर से भी ज्यादा लाभकारी मानते हैं। आज जो ट्रैक्टर है वो 30-35 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर होता है। अब ये बैल, 2 बैल में 1 हॉर्स पावर की ऊर्जा होती है। 1 हॉर्स पावर से आप 3 टन परिवहन कर सकते हैं, 3 टन माल का परिवहन कर सकते हैं। जो ट्रेलर चलता है 35 हॉर्स पावर का, उससे आप 6 टन कर सकते हैं, 7 टन कर सकते हैं। इसलिए 1 हॉर्स पावर से 3 टन ट्रांसपोर्ट करना और 35 हॉर्स पावर से 6 टन ट्रांसपोर्ट करना ज़्यादा इकोनॉमिकल कौन सा है। बहकर चला जाए तो ये नाली का गंदा पानी है, गोबर गोमूत्र से मिला सना गंदा पानी, लेकिन खेतों को मिल जाए तो यही अमृत जल है। दुर्ग जिले के अछोटी गांव में गौशाला की नाली से निकलने वाले गोबर और गोमूत्र मिश्रित इस पानी को एक तालाब में इकट्ठा किया जाता है, फिर जरूरत के अनुसार खेतों की सिंचाई के लिए इसका उपयोग करते हैं। इससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ी है और उत्पादन भी बढ़ा है। गौ आधारित अर्थव्यवस्था की एक अलग तरह की प्रयोगशाला अछोटी में अभ्युदय संस्थान द्वारा भी संचालित है। देसी नस्ल की 48 गायों की इस गौशाला को लाभदायी बनाने की चुनौती स्वीकारी है बैंक मैनेजरी छोड़कर गौपालक बने मनजीत सिंह ने। अछोटी की गौशाला में प्रतिदिन 100 लीटर दूध का उत्पादन हो रहा है। कार्यकर्ताओं की मांग पूरी होने के बाद बचा हुआ दूध रायपुर वासियों को बेचा जाता है। हरे चारे के अलावा मनजीत सिंह अपनी गायों को खाने के लिए गन्ना भी देते हैं। इससे दूध में एक अलग तरह की मिठास होती है। बाजार भाव से महंगा होने के बावजूद इस दूध की मांग दिनों दिन बढ़ रही है।
इस गौशाला के आस्वीकृत यानी डिस्टिल्ड गोमूत्र की भी बिक्री रायपुर और पड़ोस के क्षेत्रों में काफी होती है। ये गाय अधिकतम हमारे पास जो है लगभग 20 लीटर दूध प्रतिदिन तक देती हैं। अगर हम इसकी एक एवरेज लें तो 8 लीटर दूध प्रतिदिन हमें इनसे मिलता है। इस दूध को बेचने से और इससे बनाई हुई वस्तुएं जैसे कि घी, दही, मट्ठा, पनीर, ये किसान के लिए आर्थिक लाभ का एक स्रोत है ही है। इसके अलावा इनका गोबर, गोमूत्र भी हमारी खेतीबाड़ी के काम में आता है। जैसे कि गोमूत्र से इनकी दवाएं फसलों पर छिड़काव के ऊपर, गोबर से बायोगैस जिससे कि घर में चूल्हा जलाने के काम में आती हैं, और उससे उत्पादित स्लरी जो कि सीधी खेत में खाद के रूप में काम में आती है। इस तरह हम पाते हैं कि देश में आज अनगिनत गौशालाएं चल रही हैं। कुछ का ध्येय केवल श्रद्धा और सेवा है, कहीं श्रद्धा और व्यवहारिकता का सुनियोजित संगम है, तो कहीं विज्ञान, सामाजिकता और सेवा भावना का सामंजस्यपूर्ण मेल है। गौ आधारित समग्र विकास का एक कारगर मॉडल प्रस्तुत किया है सुरभि शोध संस्थान ने। बनारस मिर्जापुर मार्ग पर डगमगपुर में है सुरभि ग्राम। हरा भरा दिखने वाला ये 50 एकड़ का क्षेत्र पहले बंजर था। जल प्रबंधन, जैविक खेती और मृदा प्रबंधन के सहारे इस भूमि को उपजाऊ बनाया गया। इस भूमि सुधार का मुख्य आधार गोपालन ही रहा है। उर्वरा शक्ति से हीन इस भूमि में पहले नाइट्रोजन, कैल्शियम, पोटेशियम और कार्बन की कमी थी। इस क्षेत्र में गौशाला का निर्माण कर भूमि सुधार का व्यापक कार्यक्रम चलाया गया। जैविक खाद तैयार की गई, गौमूत्र से कीट निरोधक बनाए गए, नोडेप खाद, वर्मी कंपोस्ट और समन्वय कंपोस्ट का सफल प्रयोग कर मिट्टी को फिर से उपजाऊ बनाया गया, उनके मॉडल तैयार किए गए। सुरभि ग्राम की अपनी प्रयोगशाला भी है जो जैविक खाद के प्रयोग के फलस्वरूप मिट्टी के पोषक तत्वों में हो रहे परिवर्तनों का लगातार अध्ययन करती है। रसायन से छुटकारा लेने का रास्ता है जैविक, जैविक का रास्ता है गोवंश का आधार। कोई भी कंपोस्ट आप बनाएंगे आधार के रूप में गाय का गोबर चाहिए, चाहे उसके गोबर गैस की स्लरी निकाल लीजिए। देखा, आप देख रहे हैं कि वो गैस भी जल रही है, खाना भी बन रहा है और स्लरी भी निकल रही है, अच्छी खासी इसमें पोषक तत्वों की मात्रा भरी पड़ी है। तो हमारा कुल कहना है कि अगर जैविक खेती किसी को प्रैक्टिस करना है तो गोवंश का बिना आधार बनाए संभावना कम है। हमारी खेती में ऋषि खेती का समावेश हो और इन सारी चीज़ों का समावेश गोपालन, पशुपालन उसके साथ है। और वैसे आप समझें, यजुर्वेद में उल्लेख है कि भारत में अन्न का भंडार है, तो भारत में अन्न का भंडार है उसकी व्याख्या जो की गई कि भारत में सूर्य की रोशनी जितनी मिलती है, सूर्य का प्रकाश और मिट्टी की उपलब्धता, शायद दुनिया में गंगा के किनारे सबसे ज़्यादा मिट्टी है, इन दोनों की सुलभता के बीच में सूर्यपुत्री गाय जहाँ हो और तीनों का संयोग हो तो भारत में कृषि उत्पादन कई गुना बढ़ सकता है। इसी तरह का एक प्रयोग अभ्युदय संस्थान अछूटी में भी किया गया है। कम पूंजी, कम लागत की गौ आधारित खेती का एक उपयोगी प्रयोग भी कह सकते हैं आप संस्थान के इस हिंगना गांव स्थित चैतन्य केंद्र को। गौशाला आधारित खेती का फील्ड रिसर्च सेंटर। गौमूत्र में नीम, आक, करंज, सीताफल, बेल आदि के पत्ते मिलाकर और साथ में लहसुन मिलाकर एक माह के अंदर बेहतरीन किस्म का कीट निरोधक तैयार करते हैं
कल पेश। इसकी उपयोगिता को मैं दो तरह से समझाने की कोशिश करता हूँ। एक कि हमको जहर मुक्त फसल अनाज सब्जियाँ उपलब्ध हो सके, प्रकृति को नुकसान ना पहुँचे। ये दूसरा किसान स्वतंत्र हो सके, स्वायत्त हो सके। अभी आज किसान को हर चीज़ बाज़ार से लेनी पड़ती है, दवाइयाँ बाज़ार से खरीदनी पड़ती है, खाद बाज़ार से खरीदनी पड़ती है, बीज बाज़ार से खरीदनी पड़ती है। तो किसान जितना स्वतंत्र हो जाए उतना अच्छा है, स्वायत्त हो जाए। तो एक किसान की स्वायत्तता और दूसरा जहर मुक्त अनाज व सब्जी हमें मिल पाए, ये दो पर्पस है जिससे ये जैविक कीटनाशक का प्रयोग हम कर रहे हैं। जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है, खेती के लिए जमीन की जोत छोटी होती जा रही है। ये विषय किसानों के लिए परेशानी का कारण बनता जा रहा है। एक बिस्वे में सब्जी उत्पादन का प्रयोग और एक एकड़ एक परिवार का प्रयोग सुरभि शोध संस्थान के विशिष्ट और अत्यंत उपयोगी प्रयोग है। एक एकड़ का जो लिया एक परिवार का पूरा भरण पोषण हो जाए, वो गो आधारित है कि एक एकड़ जमीन और दो गाय एक व्यक्ति के छोटे परिवार के लिए रहे तो वो अपना जो पूरा खर्च चला सकता है। ये पूरी तरह से स्वावलंबन आधारित है, न कि बाज़ार आधारित, कि उसकी आवश्यकता की हर चीज़ उसके खेत में होना चाहिए। जैसे उसका अनाज की आवश्यकता पूर्ति है तो उसमें थोड़े से हिस्से में अनाज लिया जाए, और उसके बाद सब्जी की आवश्यकता है तो उसको हम लोग जो है एक एकड़ को करीब 32 टुकड़े में 32 हिस्से में बांट लेते हैं और उस हिसाब से करते हैं। तो जैसे गन्ना की आवश्यकता है, तिलहन की आवश्यकता है, सब्जी की आवश्यकता है, फल की आवश्यकता है। किसान के पास फल उगेगा तभी वो खा सकता है, नहीं खरीद के उसके बस का नहीं है। फिर उसको दूध की आवश्यकता है तो दो गाय पाल लिया, एक गाय जो है 7-8 लीटर अगर दूध दे रही है तो 3-4 लीटर वो अपने घर में रख के जो है छोटे परिवार के लिए, बाकी वो निकाल भी सकता है, कुछ उससे आय हो जाती है। आय का इसमें वही रखा गया है आधार कि आपके पास जो एक्सेस है उसको आप दे दीजिए, निकाल दीजिए, दूसरे को उपलब्ध करा दीजिए, उससे कुछ आय कर लीजिए, बाकी पहले अपनी आवश्यकता पूर्ति करिए। अभ्युदय संस्थान ने भी 5 एकड़ 5 गायों से खेती और विकेंद्रित जैविक ऊर्जा का एक मॉडल तैयार किया है। इस प्रयोग द्वारा 8-10 सदस्यों वाला एक परिवार साल भर खुशहाली के साथ जीवन निर्वाह कर सकता है और अनाज की अतिरिक्त पैदावार से बचत के लिए पैसे भी कमा सकता है। कृषि और गौपालन की पूरकता में एक छोटा सा प्रयोग हम लोग कर रहे हैं कि एक परिवार निरंतर समृद्धि पूर्वक कैसे जी सकता है। उस दृष्टि से 5 एकड़ जमीन और 5 गाय, यह एक यूनिट 8 से 10 सदस्यों के परिवार के लिए पर्याप्त होना चाहिए। इस दिशा में हमने जो प्रयास किया वह देखा कि अगर हम स्वयं के स्तर पर अपनी फसलों का बीज उत्पादित कर सके ताकि बाजार पर बीज उत्पादन के लिए हमें आश्रित होना ना पड़े। इसी तरह से पौधों को उचित पोषण प्रबंध करने के उद्देश्य से बाहर से हमें कोई पोषक तत्वों की आवश्यकताओं की पूर्ति ना करनी पड़े, वो कृषि और गौपालन की सहजता में आ जाए, ऐसा हम प्रयास कर रहे हैं। गौ आधारित अर्थव्यवस्था का ही कारगर नमूना है सुरभि शोध संस्थान की गौशालाएं और गोरस भंडार समिति। ये संस्था सहकारी समिति के रूप में काम करती है। मिर्जापुर, बनारस और चंदौली के 100 गांवों के कोई 400 परिवार इससे जुड़े हैं। गोरस भंडार समिति रोज 10,000 लीटर गाय का दूध बनारस को उपलब्ध कराती है। प्योरिटी के मामले में मैं समझता हूं कि बनारस में दी बेस्ट है, और जितनी प्योरिटी आपको यहां है और जितना चीपेस्ट ये है और कहीं नहीं मिलेगा। 400 गोपालक परिवारों को समिति के जरिए कुल 1,00,000 रुपए रोज की आमदनी हो रही है। रानू भाई का मुख्य उद्देश्य था कि छोटे छोटे कृषक इसे कार्य को प्रारंभ करें, क्योंकि बेरोजगारी की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। यह सरकार भी इसके ओर केंद्रित कर रही है, लोगों को पब्लिक को बता भी रही है कि नौकरी मिलना संभव नहीं है। यह विचारधारा हमारे समस्त भाई जी के दिल और दिमाग में आया। उनके द्वारा यह बनाया गया एक स्कीम था कि अगर कृषक वर्ग गरीब तबके का व्यक्ति भी जिसके पास 2-4 बीघे जमीन है, अगर वह भी यह कार्य शुरू करे तो सफल हो सकता है। आज संपूर्ण गोपालक जो इस कार्य को उनके संरक्षण में उनके सानिध्य में कर रहे हैं, वे उनके भूर भूर आभारी हैं।
गोरस भंडार समिति घी और पेड़े भी बेचती है। गोपालन के जरिए विकेंद्रित अर्थव्यवस्था की रीढ़ मजबूत करने का प्रयास कर रहा है सुरभि शोध संस्थान। ग्रामीणों को प्रेरित करने के लिए संस्थान उन्हें अच्छी नस्ल के देसी सांड और बछड़े बच्चियां निशुल्क उपलब्ध कराता है। भारतीय समाज में धर्म से लेकर ऊर्जा और चिकित्सा तक सभी क्षेत्रों में गाय और गोवंश के योगदान को देखते हुए लोगों का ध्यान देसी नस्लों को बचाने की ओर गया। देसी नस्लों को बचाने और उनमें सुधार करने की दिशा में ही लगा हुआ है इंदौर स्थित कस्तूरबा गांधी ट्रस्ट का कृषि ग्राम क्षेत्र। 1972 से ट्रस्ट के तहत चल रही इस गौशाला में गुजरात की गीर नस्ल की ही गायों को रखा गया है। मौजूदा समय में गौशाला में 200 गायें हैं। गीर गायों का गोमूत्र औषधियां बनाने के काम आता है और दूध की बिक्री से भी गौशाला को खासी आमदनी होती है। मध्य प्रदेश में विनायक परिहार की नरसिंहपुर जिले में गौशाला है। कटने जा रही 8 गायों को बचाने के बाद उनकी देखभाल के लिए विनायक परिहार ने गौशाला शुरू की थी। पिछले 7 सालों के दौरान गौशाला में मवेशियों की संख्या बढ़कर 200 तक पहुंच गई। ज्यादातर कमजोर और बीमार हैं। बहुत कम गायें ही ऐसी हैं जिनमें दूध देने की क्षमता है। ऐसी गौशाला को चलाने के लिए विनायक जी ने केंचुआ खाद के इस्तेमाल पर जोर दिया। केंचुआ खाद का इस्तेमाल आज जोवा में अपने रंग दिखा रहा है। इससे जमीन को पोषक तत्व तो मिल ही रहे हैं, पैदावार में भी खासी बढ़ोतरी हुई है। केंचुआ खाद का ही बड़े पैमाने पर उत्पादन हो रहा है पथमेड़ा की गोपाल गोवर्धन गौशाला में। राजस्थान के सूखा ग्रस्त और रेतीले इलाके जालोर का एक गांव पथमेड़ा। अकाल पड़ने पर इस इलाके के लोग अपनी अपनी गायों को गौशालाओं में भेज देते हैं। पथमेड़ा गौशाला में आज भी करीब 12,500 गायें हैं। इनमें स्थानीय सांचौरी नस्ल की गायों की अधिकता है। इतनी अधिक गायों के चलते इनकी व्यवस्था भी काफी बड़े पैमाने पर होती है। इनमें 10% ही गायें ऐसी हैं जो दूध दे सकती हैं। हालांकि दूध के लिए गौशाला की अपनी डेयरी है और गोपाल गोवर्धन गौशाला का गाय का शुद्ध देसी घी भी काफी मशहूर है, लेकिन पूरी गौशाला के खर्चे को देखते हुए इससे होने वाली आमदनी बहुत कम पड़ती है। गौशाला में गोमूत्र से कीटनाशक तो बनता ही है। यहां सबसे अधिक उत्पादन केंचुआ खाद का होता है। लगभग 50 बाड़ों में 12,500 गायें। हर बाड़ा एक ग्वाला परिवार के अधीन है। पूरा परिवार गायों की सेवा करता है, गोबर एकत्र करता है और फिर बनती है केंचुआ खाद। रोजाना करीब 10 टन केंचुआ खाद निकलती है इस केंद्र में। हालांकि ज्यादातर खाद आसपास के गांवों के लोगों को सस्ती दर पर दे दी जाती है। गौशाला से लाभ कमाना इस केंद्र का उद्देश्य भी नहीं है। यहां सैकड़ों की तादाद में ऐसी गायें हैं जो स्थायी रूप से बीमार हैं। इस गौशाला का मुख्य ध्येय ऐसी गायों की सेवा है और यही गौशाला की प्रेरणा है। गाय की सेवा करने और उसकी पूजा करने वालों के लिए पथमेड़ा की गोपाल गोवर्धन गौशाला
वास्तव में मंदिर है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।